नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप एक एक्सेल फाइल को पीपीटी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, आपके पास ऐसी कोई एक्सेल फाइल है जिसे आप पीपीटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का उपयोग करना होगा एक्सेल फाइल को पीपीटी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एक फाइल है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, हम चाह रहे हैं इसमें इसकी एक पीपीटी बन जाए, है ना। तो उसमें हम चेंजेस भी कर सकें, कुछ भी इफेक्ट डाल सकें, एनिमेशन डाल सकें, जो भी एक्सपायर हमें करना सके। तो हम सिंपल सा वेबसाइट का नाम डालते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली डालते हैं हमको एक्सेल टू पीपीटी, ठीक है। तो यहां पर पहले ही वेबसाइट मिलेगी convertio.co, ठीक है। अब यहां पर पहले ही हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर दोस्तों एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्टर का ओपन हो जाएगा पेज। अब दोस्तों यहां पर एक चेक कर लेना कि एक्सेल और पीपीटी, ठीक है, इस तरह से चेक कर लेना। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारा डिफ़ॉल्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। दोस्तों यदि आपकी वहाँ पर यूट्यूब पर है या कोई लिंक है तो वो डाल सकते हैं, और अगर ड्रॉप बॉक्स में है, गूगल ड्राइव पे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा कंप्यूटर लैपटॉप में है तो हम सिंपल सा चूज फाइल पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पर फाइल को अपलोड करते हैं डेस्कटॉप से, ठीक है, एंड ओपन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो फाइल अपलोड होने के बाद आपको कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है सिंपल सा। यहां पर अगर बड़ी फाइल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वरना कुछ ही समय में हो जाएगा। तो देखिए यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट होने लगी है। एंड कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल सा डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो जाएगी, हम यहाँ पर इसको फाइल को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जैसे आप फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर इनेबल एडिटिंग जरूर एक्टिवेट कर लेना और सेव कर लेना, ठीक है। अब देखिए पावर पॉइंट के अंदर आ चुका है डाटा। अब दोस्तों करना क्या है आपको, आप इसमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकती हो, ठीक है, ठीक। एंड इसका फॉन्ट चेंज करना है, देखिए यहाँ पर ये डाटा ऐसा है तो इसको आपको कस्टमाइज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इस सेल को आप थोड़ा ड्रैग करेंगे, है ना, इस तरह से। एंड एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हो, यहाँ पर कुछ आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है इसमें, है ना, देखिए, है ना। तो ये आप अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हो। अब जब आपको एडिटिंग कैसे करनी है वो आप पर डिपेंड करता है, यहाँ हमने कन्वर्ट करके आपको बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।